दोस्तों रिव्यू करेंगे एक्यूट्रेट 10 एमजी कैप्सूल के बारे में, जानेंगे ये किस तरह से काम करता है, डोज क्या होती है, कहाँ पर चला जाता है, सावधानी क्या रखे, साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, सब कुछ जानेंगे। सो देखिए देखिए एक्यूट्रेट एक ब्रांड नेम है इपका कंपनी का। दोस्तों 3 स्ट्रेंथ में आता है, दवाई की दुकान पर मिलता है, 5, 10 और 20 मिलीग्राम। इन तीनों में दोस्तों एक ही आता है आइसो ट्रेटिनोइड सोल्ट, 5, 10 और 20 मिलीग्राम में चेंज होता है बस। अगर नज़दीकी केमिस्ट स्टोर पर ना मिले, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया हो, तो आप कुछ अल्टरनेट ब्रांड भी ले सकते हैं, जैसे कि आइसोट्रीन आता है सिप्ला कंपनी का, टफ एग्री आता है एबर्ट कंपनी का, ये भी ले सकते हैं आप। और भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्रांड पे आते हैं, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, सोल्ट सेम होना चाहिए। बात करें भाई यूज क्या है, तो देखिए आइसोट्रेटिनोइन जो इसके अंदर कंटेंट आता है वो विटामिन ए ही होता है, उसका डेरिवेटिव होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, फेशियल स्किन के लिए और भी अच्छा होता है। कई बार दोस्तों सीवर एग्नी हो जाती है, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वहाँ पर ये एग्नी को ट्रीटमेंट में, एग्नी ट्रीटमेंट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन ट्रीटमेंट काम नहीं करता, तो फिर फाइनल ट्रीटमेंट में ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, जो कि एक अच्छा वर्क करता है, एक्ने को साफ करता है कम्प्लीटली। साथ ही साथ दोस्तों निशान रहते हैं उसको भी कम करेगा, लालिमा सूजन इन्फ्लामेशन है इनको भी कम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर एक्ने हो रही है तो उस बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। बात करें मोड ऑफ एक्शन भाई किस तरह से काम करता है, तो दोस्तों कई बार एक्ने प्रॉब्लम के पीछे सीबम जो एक पदार्थ होता है नेचुरली बनता है फेस की स्किन के ऊपर, स्किन को सूखने नहीं देता, मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है, एक वैक्स की तरह काम करता है, ऑयली चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो कई बार स्किन के लिए तो अच्छा होता है लेकिन कई बार ज़्यादा बन जाता है कुछ एरिया में, जिसके कारण जो पोरस छिद्र होते हैं स्किन के वो बंद हो जाते हैं, जहाँ भी छिद्र बंद हो गए वहाँ पर फिर धीरे धीरे सीबम इकट्ठा होने लगता है और वो एक्ने में बदल जाता है। तो वहाँ पर उस सीबम को पिघलाने के लिए, छिद्र को खोलने के लिए ये दिया जाता है, ऑइंटमेंट में भी देते हैं और कैप्सूल फॉर्म में भी दे सकते हैं, इस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ अगर बैक्टीरिया होंगे स्किन के ऊपर तो उन बैक्टीरिया को भी किल करेगा। डोज की बात करें 10 मिलीग्राम की कितनी डोज लें, तो दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर सुबह शाम दी जाती है, अगर प्रॉब्लम कम है तो रोज़ एक भी ले सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। थोड़ी लंबी चल सकती है 1 महीने 1.5 महीने और 2-3 वीक के बाद बंद भी हो सकती है, आदत भी नहीं पड़ती। साइड इफेक्ट की बात करें कि साइड इफेक्ट क्या करेगा, तो देखिए हो सकते हैं जैसे कि रेशेज हो सकते हैं स्किन के ऊपर, स्किन सूखी सूखी हो सकती है, माउथ सूख सकता है, ड्राई माउथ रह सकता है, या कभी कभार देखा गया है कि चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही रेयर है, हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं। थोड़ी बहुत सावधानी है इसकी, जैसे कि प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना है, ब्रेस्ट फीडिंग में यूज कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह से, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है थोड़ा आगे पीछे, ध्यान रखिएगा मेन हो या वुमेन हो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों संपूर्ण जो था वीडियो कैसे कमेंट बॉक्स में बताएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।